भरत आई आगे भैली न अवसर सरिस सुहासन दीन तात भरत के तेरु होतु राव तुम ही विदित रघुवीर स्वभाव। कौसादी मुनि सचिव समाजु ज्ञान अम्बुनिधि आबुनु आयु शिशु सेवकु आयसु अनुगामी जानी मोहि सिख देई स्वामी। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का पाठ हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम जान लें कि कल तक हमने क्या जाना था। मुनि वशिष्ठ जी के वचन अनुसार जनक जी प्रेम में मगन हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री राम को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय प्रेम को प्रमाणित कर दिया। परंतु हम अब इन्हें वन को भेजकर और विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है, हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले जाएं, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुनकर और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास आए। तो यहाँ तक हमने जाना था कल, और आज का पाठ शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं इस राम सहितमानस का उद्देश्य। तो जिस उद्देश्य के लिए हम ये पाठ कर रहे हैं उस मंदिर की वीडियो मैं आपको डाल देती हूँ, आप लोग देखिए। इसी ये 60-70 साल पुराना मंदिर है और यही हमारा उद्देश्य है, तो इसी के लिए हम कर रहे हैं। और आप वो मंदिर की वीडियो देखिए। इससे पहले मैं आज का पाठ शुरू करूँ। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य ही बताएं। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। तो अब हम अपने पाठ पर आते हैं। भरत आई आगे भैली न अवसर सरे सुहासन दीन तात भरत के तेरु होतु राव तुम ही विदित रघुवीर स्वभाव। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रत सब कर शील स्नेहु संकट सहज सकोच बस कहीं है जो आयसु देहु। श्री रामचंद्र जी सत्यवती और धर्म परायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनीतन पुलकी नयन भरी बारी बोले भरतु धीर धरी भारी प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू कुलगुरु समहित मायना बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं। कौशिक आदि मुनि सचिव समाजु ज्ञान अम्बुनिधि आपनु आजु शिशु सेवकु आयसु अनुगामी जानी मोहि सिख देई स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और सुमंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए।
यही समाज थल बूझब राउर, मौन मनिल में बोलब बाउर, छोटे वजन कहियो बड़ी बाता, छव तात लगी बाम विधाता। इस समाज और स्थल में आप का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ, हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना, स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वे शास्त्र पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखी राम रुक धर्मु व्रतु, पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित करिए प्रेमु पहचानी। अतः मुझे पराधीन जानकर श्री रामचंद्र जी के रुख धर्म और व्रत को रखते हुए, जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत वचन सुनी देखी स्वभाव, सही समाज सराहत राव, सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम अगम सुंदर कोमल और कठोर हैं, उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुकु मुकुर मुकुरु निज पानी, गही न जाई अस अद्भुत बानी, भूप भरतु मुनि सहित समाजु, गेज हैं विभुत कुमुद द्विज राजू। जैसे मुख दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती, शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ आए, जहाँ देवता रूपी कुंदों के खिलाने वाले यानी कि सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनी सुधी सोच विकल सब लोगा, मनहु मीनगण नवजल जोगा, देव प्रथम कुलगुर गति देखी, निरखी विधे सनेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नवे पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विवल दशा देखी, फिर विधेय जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भक्ति में भरतु निहारे, सुर स्वार्थी हरि ये हारे, सबको राम प्रेम में देखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोवर देखा। इसमें देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम स्नेह सकोच बस कह ससोच सुर राजू,
रचहु प्रपंच ही पंच मिली नहीं न भयउ अ काजू। देवराज इंद्र सोच में पड़कर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। सुरने सुमिरी शारदा सराही, देवी देव शरणागति पाही, हेरी भगत भरत मति हरि करी निज माया, पालू विबुध कुल करी छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को घेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए, मतलब रक्षा कीजिए। विभूत विनय सुनी देव सयानी, बोली सुर स्वारत जड़ जानी, मोसन कयहु भरत मति फेरु, लोचन सहस न सुर सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरी हर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी, सोमति मोही कहत करु भोरी, चंदनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश को की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकते। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। तो आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि मेरा उद्देश्य पूर्ण हो। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नए उद्देश्य के साथ, एक नई उमंग और एक नई तरंग के साथ में। बोलो श्रीमती रामचंद्र की जय। नमस्कार।